दोस्तों, इस साल की जो होली है बेहद ही खास और बेहद ही सुंदर है। क्यों बेहद ही खास बेहद ही सुंदर है, इसके पीछे मैं कारण बता दूं, क्योंकि दोस्तों 24 मार्च को होली का दहन और 25 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे और इस वर्ष बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। और दोस्तों, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। जो लोग साधक हैं, जैसे कि तंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग जैसे मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जो लोग जैसे कि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा इस वर्ष शुभ रहेंगे। कैसे शुभ रहेंगे वह हम आपको बताएंगे 2024 में। तो होली के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण के समय अगर कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं, या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन में पालन करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेंगे। चाहे धन आकर्षित करने के लिए, चाहे कोई भी दौलत शोहरत पाने के लिए, यह होली बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को होली का दहन और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। होली का दहन कब होगा? 24 मार्च को होली का दहन है। इस दिन होली का दहन के लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:01 से लेकर 12:27 तक है। ऐसे में होलिका दहन के लिए आपको कुल 1 घंटा 14 मिनट का समय मिलेगा। कब है होली और रंग कब खेला जाएगा, रंग वाली होली कब खेली जाएगी? देखिए, होलिका के अगले दिन होली मनाई जाती है, इसलिए इस साल 25 मार्च को होली है। इस दिन देश भर में धूमधाम से रंगों वाली होली मनाई जाएगी। लेकिन याद रहे, इस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है दोस्तों, होली पर ग्रहण का साया। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि की रात में आरंभ होता है। इस दौरान होली का दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। इस वर्ष 24 मार्च को होली का दहन किया जाएगा और 25 मार्च को होली खेली जाएगी। होली के ही दिन यानी 25 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो भारतीय समय अनुसार सुबह 10:02 से शुरू होगा और दोपहर 3:02 पर समाप्त होगा। हालांकि उपछाया होने की वजह से यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा के कारण यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा। अब जब सूतक काल मान्य नहीं होगा तो दिल खोलकर होली मनाएं। आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। होली जमकर मनाएं। जय श्री राम, भगवान का नाम लेकर होली खेले, आपके ऊपर कभी ग्रहण नहीं लगेगा। राम के नाम से ही ग्रहण शुभ परिणाम देने लगता है, शुभ फल देने लगता है। होली पर आपका बाल बांका भी नहीं होगा। एक बात नोट कर लीजिए, दूर 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 तक इस चंद्र ग्रहण का भारत पर कोई असर नहीं होगा। ये ग्रहण बाहर विदेशों में लग रहा है, वो भी रात के समय, क्योंकि बाहर विदेशों में उस समय रात होगी, इसीलिए भारत में इसका कोई भी असर नहीं है। जब सूतक काल नहीं लग रहा है तो जमकर खेले होली। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जो आपके जिंदगी को बदल कर रख सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, आपकी परेशानियों को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन परंपराओं की माने तो पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है, जहां एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बैठा दिया, लेकिन उसके भगवत भक्ति ने उसे बचा लिया। भगवत भक्ति में इतने लीन थे भक्त प्रहलाद कि उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं हो पाया। मतलब बुराई अच्छाई से हारी और अच्छाई ने बुराई पर विजय पा ली। इतिहास में यह पर्व भी बना दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। साथ ही इस घटना से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति विश्वास अगर दृढ़ हो, अचल हो, तो कोई भी मुसीबत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें, आज के वीडियो बहुत ही सुंदर है। अगर आप लाखों रुपए भी खर्च करेंगे तो भी इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला। हमारा एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम आपको अच्छे से अच्छे उपाय बताएंगे, जो उपाय आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, जीवन में आपके एक नया मोड़ लाएंगे। गरीबी, परेशानी, दुख,
तकलीफ, समस्या, हर प्रकार के कष्ट से आप छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, होली को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज्य करता था। उसे अपने बल का इतना घमंड था कि वो स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरी प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया था। साथ ही ये भी फरमाना जारी किया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। दोस्तों, उस असुर राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रह्लाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी दृढ़ थी कि बार बार पिता के मना करने के बावजूद भी वो हरि भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी भक्त प्रह्लाद नहीं माने, तब हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक योजना बनाई, अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का आदेश दिया। अपनी बहन होलिका को राजमहल में बुला लिया। भाई हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते ही होलिका माता राजमहल पहुंच गई और वहां आकर वो अपने भतीजे को लेकर अग्नि में बैठ गई, क्योंकि दोस्तों, होलिका माता को ये वरदान मिला था। उसे ऐसी चादर प्राप्त थी जिसे ओढ़ने से अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हालांकि पहले तो इस पर सहमत नहीं थी होलिका माता, लेकिन ज्यादा देर तक हिरण्यकश्यप का विरोध नहीं कर पाई। हिरण्यकश्यप के आदेश को टाल नहीं पाई और अगले दिन वो अपने भतीजे भक्त प्रह्लाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका माता भक्त प्रह्लाद को लेकर अग्नि में बैठी, उस समय भक्त प्रह्लाद भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी के का जाप कर रहा था। कुछ ही देर में हवा चली और वो चादर होलिका माता से उड़कर भक्त प्रह्लाद के ऊपर आ गई। इस तरह होलिका माता अग्नि में पूरी तरह से जल गई और भक्त प्रह्लाद बच गया। यहीं से होली पर्व की शुरुआत हुई। इस दिन को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाने लगा। होली का ओआर भी महत्व है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होली का एक सामाजिक महत्व है कि ये एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग आपसी मतभेद को भुलाकर एक हो जाते हैं। इस दिन अगर किसी को लाल रंग का गुलाल लगाया जाए तो सभी तरह के मतभेद, सभी प्रकार के मनभेद दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और सौहार्द का प्रतीक होता है। इसीलिए आपसी प्रेम स्नेह बढ़ाने का ये अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप अपने पुराने वस्त्र, घर की पुराने सामग्री आदि को होलिका में डाल देते हैं तो घर में किए कराए की जो नकारात्मक शक्ति होती है वो सब भस्म हो जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। होली की राख को तांत्रिक टोटके और ज्योतिष उपायों में बहुत ज्यादा कारगर माना जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। तो आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जो आपको धन वृद्धि कराएंगे, आपके परिवार में सुख समृद्धि लाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे और आपकी जो घरेलू समस्याएं हैं उन्हें भी तत्काल दूर करेंगे। दोस्तों, उपाय बताने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि इन उपायों को हमेशा गुप्त रखना है। दोस्तों, टोने टोटके तभी प्रभावशाली होते हैं जब उन्हें गुप्त रखा जाता है। अगर टोने टोटके के बारे में आप किसी को बता देते हैं तो वो प्रभावहीन हो जाते हैं, अपना प्रभाव नहीं दिखाते। तो 5 से 7 उपाय बताने जा रहे हैं, जो उपाय आपसे बन पड़ी डीडे जरूर करना, बहुत ही सुंदर सरल उपाय है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, चाहे वो ग्रह दोष कुछ भी हो, आपको पता नहीं चल रहा, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, जो भी ग्रह दोष चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनसे छुटकारा मिले और ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो होली की राख को ठंडा होने के बाद आपको घर में ले आना है और इसे पानी में घोल लेना है। फिर सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को अभिषेक कर देना है।
शिवलिंग को आपको इससे नहला देना है, स्नान करा देना है। फिर महादेव से प्रार्थना कर लें कि भगवान आप हमारा कल्याण करें, हमारी समस्याओं को दूर करें। होली की राख कोई साधारण राख नहीं है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके कुंडली में कोई भी नीच ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, वे नीच ग्रह आपको अच्छे फल प्रदान करना शुरू कर देंगे, नुकसान की जगह आपको तरक्की देना शुरू कर देंगे। बस आपको ये उपाय करना है। जबरदस्त पावरफुल तांत्रिक उपाय है ये, लाल किताब में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि होलिका दहन की राख में कई देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, इसलिए अगर इस राख को आप अपने माथे पर लगा सकते हैं एल, और ऐसा करने से आपके भाग्य का सितारा चमक सकता है। दोस्तों, होली दहन के अगले दिन होली की राख आपको घर में लानी है और इसे पूरे घर में छिड़क देना है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में सुख शांति का अभाव है, आपके घर में वास्तु दोष लगा है, आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया है और आप होली की राख को घर में लाकर घर के प्रत्येक कोने में छिड़कते हैं, तो किए कराए का असर समाप्त हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर किसी भी काम में आपको शुभ फल या शुभ परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपको करना ये है कि होली की राख को घर लाकर उसमें राई और थोड़ा साबुत नमक डालकर घर के किसी कोने में स्वच्छ स्थान पर रख देना है, लेकिन लोगों की नजर से आपको इसे बचाकर रखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको अच्छे दिन देखने को जरूर मिलेंगे, और लंबे समय से घर में कुछ अच्छे शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे थे, मन मुताबिक पैसा नहीं आ रहा था, घर का बंधन हो गया था, ऐसी सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, किसी ने आपके काम धंधे को बांध दिया है, लगातार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये टोटके जरूर आजमाना। आपको करना क्या है कि होली जलने वाले स्थान पर अनार की कलम से नाम लिखना है। अगर आपको जिस व्यक्ति पर शक है कि फलाना नाम के व्यक्ति ने मेरे धंधे को बांध दिया है, तो अनार की कलम से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके ऊपर में थोड़ा सा गुलाल छिड़क देना है। इसके बाद इसे होली जलती हुई होली में आपको डाल देना है। ऐसा करते हैं तो किसी व्यक्ति ने अगर आपका धंधा पानी बांध दिया है तो वो खुल जाएगा। चलिए एक उपाय और बता दें जो निश्चित आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, धन दौलत से परिपूर्ण बनाएगा। किसी भी प्रकार के कष्ट है, मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, दैहिक, दैविक, मानसिक किसी भी प्रकार के कष्ट हैं, उन्हें दूर करने का कारगर रामबाण उपाय यह साबित हो जाएगा। अगर आपको शक है कि आप पर किसी ने या फिर आपके परिवार के ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है, तो ये उपाय आपको जरूर करना है। आप होली की राख के इस उपाय से उनकी तांत्रिक क्रिया को बेअसर कर सकते हैं, और आप सभी को बताना चाहेंगे कि होली की राख को पूरे साल के लिए बचा कर रखें, क्योंकि होली की राख आप बाद में पैसे देकर किसी से मांगेंगे तो भी नहीं देने वाले। होली की राख बहुत ही कीमती होती है, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री, इन सबको लेकर होली की अग्नि में डाल देना है। फिर होलिका माता से प्रार्थना करनी है कि माता, हमारे घर में बरकत आने का मार्ग बंद हो चुका है, या फिर माता किसी ने हम पर बंधन कर दिया है, हम बीमार पड़ते हैं, घर में धन का आगमन बंद हो चुका है, या फिर जो भी समस्या है वो समस्या बोलिए, और फिर उसके अगले दिन सुबह चुपचाप जाकर होली की राख को लेकर आना है। फिर उसे चांदी के ताबीज में भरकर आपको गले में पहन लेना है या फिर गले में रख देना है। चांदी का ताबीज नहीं है तो तांबे के ताबीज में डालकर भी आप अपने गले के स्थान पर रख सकते हैं। घर में भी घर के मुख्य द्वार पर बांधने से घर का बंधन होगा, रक्षण होगा। गले में पहनते हैं तो आपका ही बंधन होगा, व्यापारिक स्थान में रखते हैं तो व्यापारिक स्थान का बंधन होगा, किसी ने कुछ कर रखा है तो वो भस्म हो जाएगा।
व्यापारिक स्थान में होली की थोड़ी थोड़ी राख भी छिड़क देना। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई विशेष मनोकामना हो और आप चाहते हैं कि आपकी वो विशेष मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए, तो ये उपाय आपको जरूर कर लें। एक काला कपड़ा ले लें, उसमें 7 काले तिल लें, 7 लौंग लें, 3 सुपारियां लें, 50 ग्राम सरसों के बीज ले लें। फिर उसे आपको एक पोटली जैसा बना लेना है। फिर उससे अपने शरीर से 7 बार उतार लेना है। फिर उसे होलिका माता के जलते हुए अग्नि में डाल देना है। कोई विशेष मनोकामना हो, कोई इच्छा हो जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो ये तांत्रिक प्रयोग करने के बाद बिना और कुछ किए भी वो पूर्ण हो जाएगी। उस इच्छा को पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप चाहे तो कोई विशेष मनोकामना हो, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए 7 गोमती चक्र का उपाय कर सकते हैं। 7 गोमती चक्र लेकर 7 बार होलिका माता की परिक्रमा करने के बाद उन्हें होलिका माता की अग्नि में डाल दें, तो जो भी विशेष मनोकामना होगी वो मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अगला उपाय कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में तेजी से धन दौलत हमेशा आती रहे, तो 7 गोमती चक्र को 7 बार आपको अपने घर से वार लेना है। अर्थात 7 गोमती चक्र लेने हैं और 7 बार आपको अपने घर का गोमती चक्र से उतारा करना है। घर के पूरे हिस्सों से 7 बार उन्हें घुमाना है और फिर उन्हें जलते हुए होलिकाग्नि में डाल देना है। इससे घर के व्यक्ति की कोई भी बीमारी है तो वो दूर हो जाएगी। घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुका है तो वो भी तकलीफ दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में कुलचनी है, भूत प्रेत शैतान बुरी शक्तियां हैं, तो वो सारी नीच शक्तियां गोमती चक्र में आकर जैसे ही आप अग्नि में डालेंगे भस्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे कुछ सरल आसान उपाय है। उपाय तो सरल है लेकिन इनके प्रभाव रामबाण की तरह है। तो आप भी अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, घर में सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, घर में शांति लाने के लिए, धन वैभव की बढ़ोतरी करने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिख दें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपका दिन शुभ हो।